हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स। इसके लिए मैंने 1/4 kg बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे मैं एक बार ग्राइंड कर लूँगी। मैंने चिकन को ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसे एक बाउल में निकाला है। मैंने 2 पोटैटोज़ को बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 tablespoon जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, हरा धनिया। प्याज को हमें बहुत ही फाइन काट लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 cup ब्रेड क्रम्स। मैंने फ्रेश ब्रेड को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है। 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो या चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। 1 चीज़ का क्यूब मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाए। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। डोनट बनाने के लिए एक प्लेट को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। एक पोर्शन लेंगे हम और इस तरह हम एक बॉल बनाएंगे। मेरे पास इस तरह का कटर है, मैं इस तरह इसको इसमें प्रेस कर लूँगी। अब मैं एक छोटे कटर से इसे सेंटर में इस तरह कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा पोर्शन मैं इस तरह निकाल लूँगी और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। इस तरह सभी डोनट्स को मैं प्रिपेयर कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो आप इस तरह के कोई भी कटर से इस तरह काट सकते हैं और इस तरह के छोटे कटर से कट कर सकते हो। सभी डोनट्स मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। इस क्वांटिटी में मेरे 14 डोनट्स बने हैं। एक प्लेट में मैंने ड्राई फ्लावर लिया है, ये प्लेन मैदा है, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। एक एक डोनट को मैं इसमें रोल कर लूँगी और इसे एक प्लेट में रख लूँगी। इसे हमें अच्छे से कोट कर लेना है। इस तरह सभी डोनट्स को मैं ड्राई फ्लावर में कोट करके इस तरह एक प्लेट में रख लूँगी। मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मेरे घर के पिसे हुए फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। इसको मैंने एक प्लेट में निकाला है। मैंने 2 eggs लिए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 cup मिल्क, 1/4 teaspoon सॉल्ट, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले है तो पार्सले भी ऐड कर सकते हो, या फिर ड्राइड पार्सली है तो आप ब्रेड क्रम्स में इसको मिक्स कर सकते हो। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब एक डोनट को लेंगे और इसे इसमें डिप कर लेंगे। आप चाहो तो फोक की मदद से भी इसको कर सकते हो। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। इसे हम ड्राई हैंड से इस तरह कोट कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह हमें इसे अच्छे से डोनट का शेप देना है। इस तरह सभी डोनट्स हम तैयार कर लेंगे। सभी चिकन डोनट्स मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हो तो इस तरह इसी ट्रे को फ्रीज में रख लें और जब ये हार्ड हो जाए तो इसे इस तरह निकाल कर इसे ज़िपलॉक बैग में रख सकते हो। आप चाहो तो इसे इमीडिएटली भी फ्राई कर सकते हो या फिर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखें और फिर फ्राई करें। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने हीट कर लिए रखा है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं अब ये फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे फ्राई कर लेना है।
अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, इसे मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन डोनट्स बनकर रेडी है। मैंने इसे टमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।